के फीचर कितने अच्छे हैं इज अ ब्यूटीफुल लैब ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल लैब भैया पप्पी बाइटिंग हो रही है डॉग के लिए जूता चबा रहा है कभी कपड़ा चबा दे रहा है कपड़ा फाड़ दे रहा है उसके mm. लिए एक इस एज के बच्चों के mm. लिए तो जो नहीं मारेंगे नहीं मारना अपने लड़के को मार दे पिटाई करें हेलो एवरी वन आई एम योर फ्रेंड योर होस्ट भंडारी एंड आई वेलकम यू इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज डॉग्स योर फॉर एवर डे फ्रेंड्स आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने लेबोरेटर डॉग रखे हुए हैं आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ एक लेबरेटर बच्चे के लिए एक जनरल डाइट शेड्यूल क्या होना चाहिए बहुत सारे लोग पूछते हैं हम छोटा बेबी लेके आए हैं और उसके लिए हमें क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए स्पेशली जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज उसके बारे में बात करेंगे मेरे साथ में छोटे से भाई साहब हैं इसका जो नाम है वो ब्रॉडी रखा है इसके ऑनर ने और इन्होंने मुझसे ये लिए हैं आज ये 41 डेज़ का है ओके 41 डेज़ के हैं भाई साहब ये ऑलमोस्ट 4 के जी हैं गोलू मोलू प्लम्पी है एक्टिव है बहुत एक्टिव है इस आज आ, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो इसको है इसकी फीड हम जब फीड देना है हमने जो नई फीड देनी है डॉग को जब अपने घर लेके आते हैं हमेशा कोशिश कीजिए जिससे भी आप डॉग परचेज़ करके लेके आ रहे हैं आप उनसे पूछिए कि वो पहले कौन सी फीड दे रहे हैं वो डॉग फीड दे रहे हैं या सैर लेक दे रहे हैं क्या दे रहे हैं क्योंकि हम कई बारी अपने घर में ला के फीड एकदम से चेंज कर देते हैं और डॉग खाना नहीं खाता वो बहुत बड़ा इशू हो जाता है और समटाइम्स अगर वो खा भी लेता है तो उसको वो डाइजेस्ट नहीं होती तो लूज़ मोशन वगैरह हो जाते हैं उस केस में आप डिजिटोन आता है हिमालय का आप वो यूज़ कर सकते हैं वन एम एल मॉर्निंग इवनिंग डाइजेशन के लिए अच्छा है उसको गैस्ट्रिक वगैरह नहीं होगा डाइजेशन अच्छी रहेगी फिटनेस अच्छी रहेगी खाना खाएगा तो अच्छे से पचाएगा भी और इसके अलावा इसको फ़ोर टाइम्स अ डे खाना चाहिए इसको भाई साहब को लग रहा है कि मैं इसे गिरा दूंगा देखिए कैसे उसने हाथ पकड़े हुए मेरे कैसे हाथ पकड़ा अपने दोनों हाथों जो नहीं मारेंगे नहीं मारना अपने लड़के को मार दें पिटाई करें आ, इसे फोर टाइम्स अ डे मील चाहिए अप्रॉक्स सेवन सेवन थर्टी इन द मॉर्निंग दोपहर को बारह साढ़े बारह बजे दे दीजिए शाम को चार साढ़े चार बजे और रात को नौ बजे के करीब इसे खाना चाहिए फोर टाइम्स अ डे ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लोग पूछते हैं कि सर कितने बजे खाना देना चाहिए और कितना टाइम देना चाहिए इसकी अगर मैं बात करूँ फोर के जी बॉडी वेट के हिसाब से इस बच्चे का आप अपने डॉग की बॉडी वेट के हिसाब से उसका जो शेड्यूल है सेट कीजिएगा इस बच्चे की अगर मैं बात करूं हम इसे टेन uh, डेज़ में एक बारी बात दे सकते हैं ये फोर्टी वन डेज़ का हो गया इसको हमने अभी तक बात नहीं दिया बट uh, अगर हम इसे एक दो दिन में भी बात देना चाहें तो डेफिनेटली वी कैन गिव बात कैसे देना है मैंने वीडियो बना के डाल रखा है आप उसके फॉलो कीजिए एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है लोग बोलते हैं कि भैया हमें ज़्यादातर लोगों ने यही बोला कि थ्री मंथ्स तक बात नहीं देना ऐसा नहीं करना वो एक बहुत बड़ी गलती होती है अगर आप थ्री मंथ्स तक अपने बच्चे को नहलाएंगे नहीं तो उसके स्किन के जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी स्किन की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी उसको प्रॉपर बात दीजिए गर्म पानी के साथ में अच्छे से नहलाइए कैसे मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि उसकी स्किन पे जो भी डस्ट जमी है जो कभी कुछ गंदा लगा है या कुछ भी है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो और वो आप उसे इंजॉय कर सके स्मेल भी नहीं आएगी और बाल भी नहीं झड़ेंगे ब्रशिंग करना इतने बच्चे की एज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए बल्कि जिस दिन हम डॉग लाएँ हमें उस दिन से ही यूज़ करना चाहिए हेयर ब्रश इसके लिए स्लीकर रिकमेंडेड है स्लीकर हेयर ब्रश जो अक्सर मैं बताता हूँ स्लीकर हेयर ब्रश है ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों ने पहले मेरा ब्लॉग को नहीं देखा स्लीकर हेयर ब्रश यूज़ करना चाहिए जो इसके पपी कोट है ये जाएगा पपी कोट जाएगा ये बीच में रफ सा कोट लगना शुरू हो जाता है एक टाइम आता है लेकिन वो पपी कोट होता है जो रूट से बाल टूट चुके होंगे उस चीज़ के लिए आपको ब्रशिंग डेली करना है यू कैन ऐड ओमेगा सिक्स एंड ओमेगा थ्री इन देयर डाइट ये इसके लिए स्लीकर है ब्रश है हम फ्रंट टू बैक करेंगे डेली एक मिनट सुबह एक मिनट शाम को फ्रंट टू बैक आप देखिए नीचे से कितनी डस्ट निकल रही है और बैक टू फ्रंट करेंगे अगेन बैक टू फ्रंट जो भी डस्ट है स्किन पे भी बैठी होगी वो भी निकल आएगी और अगेन फ्रंट टू बैक करेंगे वो सारे का सारा क्लियर हो जाएगा जो बाल झड़ेंगे इसमें आ जाएंगे बटन को प्रेस करेंगे पीछे करेंगे और एवरीथिंग विल बी गॉन ये इजीएस्ट वे है डॉग को यूज़ करने डॉग को ब्रश करने के लिए कैल्शियम ज़रूरी है बॉडी वेट के हिसाब से हल्का सा ह्यूमन बेबीज के लिए आता है वो भी दे सकते हैं प्रेफरेबली आप वो दीजिए जो डॉग्स के लिए आता है जैसे इंटाकाल uh, पैट आता है हिमालय का आता है एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर किसी पर्टिकुलर को मैं नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ कोई भी आप यूज़ कर सकते हो जो आपकी मार्केट में अवेलेबल हो लिवर सिर्फ ज़रूर स्टार्ट कीजिए साथ में मल्टी वाइटामिन स्टार्ट कीजिए ताकि उसको प्रॉपर फिटनेस रहे उसकी और ग्रोथ में कोई कमी ना आए हर फोर फाइव डेज़ बाद थोड़ा सा डॉग फूड बढ़ाना चाहिए बॉइल्ड एग अगर आप देना चाहें तो फोर्टी डेज़ पे बॉइल्ड एग स्टार्ट कर सकते हैं एग का वाइट पार्ट देना चाहिए येलो पार्ट नहीं देना चाहिए वेदर पे डिपेंड करता है अभी जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं फ्रेश कर्ड आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं मेक श्योर फ्रिज का ठंडा नहीं हो रूम टेम्परेचर का कर्ड हो तो वो भी दे सकते हैं थोड़ा सा फ्रूट थोड़ा सा जैसे एप्पल दे सकते हैं बनाना दे सकते हैं ये सब चीज़ दे सकते हैं ये चीज़ें आप ऐड कीजिए अपने वेट को दिखाइए टाइमली उसकी डिवॉर्मिंग कीजिए वन के जी बॉडी वेट पर वन एम एल डिवॉर्मिंग एक जनरल तौर पर ही रहता है फिर भी आप अपने वेट को कंसल्ट कीजिए टाइम पे वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है थर्टी टू डेज़ पे फर्स्ट वैक्सीनेशन होती है इस भाई साहब की हमने की थी आज नाइन डेज हो गए हैं अभी इसकी जो नेक्स्ट वैक्सीनेशन है वो उसके ट्वेंटी डेज़ के गैप में आएगी बाकी जो शेड्यूल है हमने बना के दिया है वैक्सीनेशन के लिए अगेन एक और शेड्यूल का वीडियो बना के डाल रखा है अब वहाँ से रेफरेंसेज ले सकते हैं और इनके लिए जो स्पेशल चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एज में टीथिंग पपी बाइटिंग बहुत प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोग बोलते हैं किसी भी ब्रीड के बच्चे के लिए कौन से टॉयज़ चलेंगे बहुत जल्दी एक वीडियो बना के डालूंगा छोटे बच्चे के लिए जो टॉयज़ रिकमेंडेड है उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए कौन सा नहीं बिकॉज बहुत बारी हम टॉय खरीद लाते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से जो हमें अच्छा लग रहा है उसका पर्पज़ क्या है टॉय का वो हमें क्लियर नहीं होता एक बच्चे के लिए फाइव मंथ्स तक के लिए आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा सा कैल्शियम बढ़ना चाहिए थोड़ा मल्टीवाइटामिन बढ़ना चाहिए थोड़ी सी फीड बढ़नी चाहिए जैसे जो रिकमेंडेड है Uh, उस हिसाब से बाकी अगर कस्टमाइज्ड डाइट शेड्यूल चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं ये देखिए इसके फीचर कितने अच्छे हैं इज़ अ ब्यूटीफुल लैब ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल लैब और ये हिमाचल में जा रहा है ऊना के पास में और जो इसके ऑनर है ही इज़ आदित्य ठाकुर राइट कभी फिर से उनके साथ में बात होगी उनके साथ में अगर वास्ता हुआ दोबारा मिलने का तो एक और वीडियो बना के देखेंगे इस बच्चे को अगर ये हमारे हिसाब से पालेंगे तो ये बहुत अच्छा बनने जा रहा है आ, आपने बेबी का एक वीडियो देखा था सेवन एट मंथ्स का मैंने नवाब के साथ में वीडियो डाला था इज ऑफ दैट क्वालिटी बाकी रेस्ट डिपेंड्स अपॉन साइं वो कैसे पाल इनको कैसे वो गाइड करते हैं हमें कैसे गाइड करते हैं आई होप ये जो छोटा सा वीडियो बनाया है कि आप जो घर में बेबी लाते हैं लेबरेटर बेबी तो उसको कैसे डाइट देनी है या केयर करना है ये आपको पसंद आया होगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो खाना डालना है वो फर्श पे रख के नहीं देना हल्का सा लिफ्ट करके बाउल में डाल के देना है तो वो हमेशा बेटर रहेगा आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मिस ना करें थैंक यू सो मच साइन दिया करेंगे मुझ पर आप पे हमारे पेट्स पे लव यू ऑल थैंक यू